पुणे के उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव संजय शुक्ल और कोविड-19 के नोडल अधिकारी की टीम द्वारा उज्जैन के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे कोरोना सर्वे को लेकर गांव में जाकर जानकारी दी गई। साथ ही सर्वे का निरीक्षण भी किया गया। पत्रकार नूतन गिरी पर लगाए झूठे आरोप में प्रभारी कायथा थाना प्रदीप सिंह राजपूत ने 5 जुलाई के मामले को 4 जुलाई में दूसरा झूठा आवेदन लेकर प्रकरण दर्ज करने की उच्चस्तरीय जाँच एवं दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर उज्जैन जोन पुलिस महानिरीक्षक राकेश गुप्ता के नाम कार्यालय पर एस टीनो राठौर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि रविवार को ग्राम कायथा बाजार में कुछ व्यापारियों की दुकानें खुली हुई थी, जबकि प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के चलते रविवार को पूर्ण रूप से बंद रखने के दिशा निर्देश दिए थे। रविवार 5 जुलाई को बाजार की दुकानें खुली होने पर पत्रकार नूतन गिरी द्वारा फोटो एवं वीडियो लिए गए थे। मामले में व्यापारियों ने समाचार न छापने को लेकर पत्रकार गिरी को धमकी देते हुए उल्टे कायथा थाने पर SDM के नाम हफ्ता वसूली करने का झूठा आरोप लगाते हुए आवेदन दिया था। मामले में कायथा थाना प्रभारी प्रदीप सिंह राजपूत ने द्वेषतापूर्वक राजनीतिक दबाव एवं लालच में आकर 5 जुलाई के मामले को 4 जुलाई के दिनांक में डालकर भोजनालय व्यापारी राहुल राठौर से एक और झूठा आवेदन लेकर मामले की दिशा बदल दी, जिसमें राहुल राठौर ने आरोप लगाया है कि नूतन गिरी ने मेरी दुकान के वीडियो बनाकर रुपए की मांग की, जबकि पत्रकार गिरी ने राहुल की दुकान में ना तो फोटो लिए, ना ही वीडियो बनाए और ना ही उससे मिला, जिसके 2 व्यक्ति और साक्षी हैं। पत्रकार गिरी ने जो फोटो और वीडियो लिए वह राहुल की दुकान की नहीं बल्कि बाजार की हैं। लेकिन मामले में थाना प्रभारी राजपूत ने षड्यंत्र पूर्वक द्वेषता एवं राजनीतिक दबाव के चलते लालच में आकर व्यापारी राहुल से आवेदन लेकर मामले में नूतन गिरी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया। यूनाइटेड प्रेस क्लब ने ज्ञापन देते हुए मामले में उच्च स्तरीय जांच एवं दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। ज्ञापन देते समय यूनाइटेड प्रेस क्लब के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र पुरोहित, जिला अध्यक्ष अरविंद देवधरे, उपाध्यक्ष नूतन गिरी, गोस्वामी तराना, तहसील अध्यक्ष अर्पित बोडाना, पत्रकार पल्लवी शर्मा, पत्रकार मयंक गुर्जर आदि उपस्थित थे। उज्जैन से अर्पित बोडाना की रिपोर्ट। मामले को लेकर आज आप ज्ञापन देने पहुंचे, क्या है पूरा मामला? ये कि हम लोग कायथा थाने में शनिवार को मेरे खिलाफ़ एक ज्ञापन दिया गया था। उस ज्ञापन में उन लोगों ने अनभिज्ञ की जानकारी दी थी। दुकान जब रविवार को खुली हुई थी तो रविवार को मैं उसका कवरेज करने गया था। मैं एक पत्रकार हूँ, उस नाते मैं वहाँ कवरेज करने गया था। वहाँ के व्यापारियों की दुकान खुली हुई थी। जब मैं कवरेज करने गया था वहाँ के व्यापारियों ने मुझे मना किया गया, भाई आपने फ़ोटो मुझे क्यों खींचे, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, ऐसा कुछ वीडियो फोटो कुछ नहीं लिया था फुटेज। इसके बाद भी फिर बाद में आके मेरे को राहुल राठौर द्वारा चमकाया गया, जान से मारने की धमकी दी गई। तो ये क्या है, आप लोग क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। फिर एक दबाव बनाकर मेरे ऊपर FIR करवाई गई थी। राजनीतिक संरक्षण में मेरे ऊपर FIR कराई गई, FIR हुई मेरे ऊपर बगैर जाँच, बगैर उसके कुछ भी। प्रदीप सिंह राजपूत द्वारा मेरे ऊपर FIR की गई दबाव में, यार हमको दबाव है ऊपर से, हमको FIR करनी पड़ेगी। और मेरे ऊपर बगैर पूछे ताछे मेरे ऊपर FIR की गई। क्या नाम है आपका? नूतन गिरी गोस्वामी। कौन सा चैनल देखते हैं? अनादि।